फ्री स्टाइल ट्रैवलिंग। आप लोगों ने फ्री स्टाइल रेसलिंग के बारे में सुना होगा, फ्री स्टाइल रैपिंग के बारे में सुना होगा। आज हम इस वीडियो में जो करने जा रहे हैं वो है फ्री स्टाइल ट्रैवलिंग। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको फ्री स्टाइल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। फ्री स्टाइल का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कहता है कि कोई भी ऐसी चीज जो प्लान्ड ना हो, स्क्रिप्टेड ना हो, ऑन द स्पॉट हो। तो आज हम इस अपनी वीडियो में भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। हमें नहीं पता, हमने कोई प्लान्ड प्लेसेस डिसाइड नहीं किए हुए, हमने कौन कौन से प्लेसेस को विजिट करना है, और कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की हुई कि इन प्लेसेस पे जाके हमने क्या क्या बोलना है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनकी अंदरून लाहौर पे तकरीबन 1.5 साल की रिसर्च है। तो उनका ये दावा है कि आप अंदरून लाहौर में कदम रखें, कोई भी ऐसी गली, कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पे तारीख का कोई शाहकार महफूज ना हो। तो हमने कहा चलिए ठीक है, तो फिर क्यों ना इस पर एक वीडियो बना लीजिए। तो आज भी हम कुछ दोस्त बाइक्स पे अंदरून लाहौर जाएंगे और किसी एक गेट से एंटर होके रास्ते में जोन जोन से प्लेसेस आते रहेंगे, उन प्लेसेस के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो आपको देते रहेंगे। 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमने उस प्लेस की मैक्सिमम हिस्ट्री को कवर करना है। डिटेल वीडियो नहीं बनानी हर प्लेस से रिलेटेड। हमारी इस वीडियो का पर्पज ये है कि आपको 5 से 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम प्लेसेस जो हैं वो विजिट करवा दिए जाएं। तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ बहुत फास्ट, बहुत क्विकली होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अंदरून लाहौर। लाहौर शहर में आबाद एक छोटा सा शहर जो रहन सहन के हवाले से अपनी मिसाल आप है। So, यहाँ से ऑनवर्ड हमें अब ज्वाइन करेंगे साद जाहिद, जो कि एज अ टूरिस्ट गाइड हमें ज्वाइन करेंगे। आपका भाई साथ साथ वीडियो बनाएगा। आज के टूर का जो हमारा फर्स्ट स्पॉट है वो है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन अब हमें साथ करवाएंगे। So, over to you, साथ। दिल्ली गेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि दिल्ली की तरफ इसका मुंह है, यानी आप समझ सकते हो कि दिल्ली की डायरेक्शन में वो इस तरफ है। बहुत पुराना नहीं है कि अंग्रेजों के दौर में बना हुआ। यहाँ पे से पहले अगला एक गेट था, वो पहले अंदरून का गेट काउंट किया जाता है, लेकिन वो ख़राब हो गया था तो अंग्रेज़ों के दौर में ये इजाफी तौर पर बना था। इसके अंदर प्रॉपर एक दफ्तर काम कर रहे थे इस गेट के अंदर, ठीक है। ये अक्सर आपको एड्स में यही नज़र आता है। आगे चलो, हमारा जो दूसरा स्पॉट है वो है शाही हमाम, जिसको 1635 में शाहजहां के दौर में बनाया गया था। शाही हमाम बेसिकली आप ये समझ लें कि ये उस दौर का 5-स्टार बाथ था। यहाँ पे लोग आते थे, स्टीम लेते थे, यहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ था, मसाज करवाते थे। तो ऑल इन वन पैकेज था और ये बहुत खूबसूरत अंदर से। इंशाल्लाह इसको भी इंडिविजुअली जब कवर करेंगे तो मैं आपको ओवरऑल इसका विजिट करवाऊंगा। शाही हमाम के बिल्कुल साथ ही एक बाबा जी होते हैं, इनके यहाँ पे मक्खन के पेड़े, शक्कर और कुलचा ये बहुत फेमस है और ये लोगों को बहुत पसंद आती है। और नेक्स्ट स्पॉट इज गली सुरजन सिंह। फ्रांस और लंदन की तर्ज पर बनाई गई एक खूबसूरत गली। स्पेन में इंग्लैंड की गलियां जिस तरह होती हैं उस फॉर्मेट पे इसको सजाया, पहले भी थी सब कुछ साथ से छोड़ के आया, इसको ये पौधे लगा दिए, वो हैंग कर दी लाइट, ठीक हो गया। नाम निकले या सुबह बोले यहाँ पे आके बैठे हैं, यहाँ पे बैठक बना दी। हमारा जो अगला स्पॉट है वो है शाहजहां के दौर में बनाई गई वजीर खान मस्जिद। वजीर खान मस्जिद भी शहनशाह शाहजहां के दौर में बनाई गई थी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है और ये बादशाह मस्जिद से 30 साल पुरानी मस्जिद है, यानी कि इसको 30 साल पहले बनाया गया था। अभी रिसेंटली यहाँ पे जो बिलाल सईद और सबा कमर का एक सॉन्ग रिलीज हुआ था, तो उसके बाद से गवर्नमेंट ने इस मस्जिद पे पाबंदी लगा दी, आप कैमराज वगैरह लेके इसके अंदर जाके फोटोग्राफी नहीं कर सकते या वीडियोज वगैरह नहीं बना सकते। वजीर खान मस्जिद के बिल्कुल साथ ही एक कुआं है जिसको कुआं दीनानाथ कहते हैं। इसकी हिस्ट्री ये है कि इसकी खुदाई उस दौर में 200 मीटर तक की गई थी कि शायद पानी आ जाए, लेकिन इस कुएं में शुरू से ही पानी नहीं आया, ये शुरू से ही सूखा था।
ही स्पॉट पे आपको यहाँ पे एक और गेट नजर आएगा जो कि लाहौर का सबसे पुराना गेट था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी हालत खराब होती गई तो दिल्ली गेट को फिर इसके बाद तामीर करवाया गया था। असल जो लाहौर का मेन गेट था जो कि लाहौरी गेट कहलाता था वो ये गेट। Some gates never get to open 'cause it's too late. I could be the one who saves you from this place. आप लोग अंदरून लाहौर आए तो दो चीजें ट्राई करना कभी मत भूलिएगा, एक यहाँ के खाने और दूसरा लस्सी। बिलीव मी, आपकी जिंदगी के बेहतरीन एक्सपीरियंसेस में से एक एक्सपीरियंस होने वाला है। खाना पीना तो चलता रहेगा, आइए आपको पहले सुनहरी मस्जिद का विजिट करवा दें। इस मस्जिद की खासियत ये है कि इसके गुंबदों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये मस्जिद अभी सुनहरी है मस्जिद, इसको कहते हैं गोल्डन मस्जिद का नाम है। इस मस्जिद के बारे में है और ये फैक्ट भी है, इसके जो ऊपर गोल्डन आप देख रहे हो गुंबद, इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, सोने की है। और ये तकरीबन कितने रंजीत सिंह के दौर से पहले की है, मतलब ये भी ऑलमोस्ट 200-250 साल पुरानी है, अभी तक इसके वो जो पानी चढ़ा हुआ है वैसे का वैसे ही है। रिसेंटली इसको उन्होंने डेवलप किया और साफ सुथरा किया, अच्छा उसके बाद इसका रंग थोड़ा सा बेहतर हुआ, नहीं तो ये गोल्डन कलर ही था लेकिन काफ़ी डल हो गया था, डार्क जो होता है ना ब्राउन टाइप सब हो गया था। और ये जो है कंट्रोवर्सी का शिकार भी रही है, जो मस्जिद को एक टाइम पे आती गुरुद्वारा बना दिया था। हमारा जो नेक्स्ट स्पॉट है वो है गुरुद्वारा बाउली साहब। बाउली एक कुएं को कहते हैं। कहा जाता है कि इस जगह पे लाहौर का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हुआ करता था और उस गुरुद्वारे में एक कुआं हुआ करता था, जो कि दोनों चीजें खत्म होके अब ये एक सिंपल बाग की शक्ल इख्तियार कर गया है। अगर इस बाग में अभी भी कोई चीज पुरानी बाकी है तो वो ये कई सौ साल पुराना दरख्त। देसी बाग के अंदर से खड़े होकर नजर आ जाती है। इंडिया का सबसे पुराना बैंक है हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, वो सामने नजर आ रहा है। गोविंद राम खाना चंद इस्टेब्लिश 1805 हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, ये इंडिया का पहला कमर्शियल बैंक था। इसी जगह पे था, मेरा नहीं ख्याल है यही वो बिल्डिंग होगी, वो इस तरह की बिल्डिंग उस दौर में थी। 1805 में रणजीत सिंह के दौर बनी, ये बाद में ही है, लेकिन ये इंडिया का पहला कमर्शियल बैंक भी बना था ना वो इस जगह पर, इसी पॉइंट की इमारत में। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। इस शेर में डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जिस अयाज का जिक्र किया है ये उनका मकबरा है। ये महमूद गजनवी के वजीर और मुंह बोले बेटे थे। यहाँ पे इनके नाम पे पूरी एक मस्जिद है और इनका मकबरा है। आइए आपको इनके मकबरे की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। की वाइब्स, स्वैग, यहाँ का माहौल ही कुछ ये है जी रंग महल। रंग महल जो नाम पड़ा है इस पूरे एरिया का वो इस बिल्डिंग की वजह से पड़ा है। ये मियां खान और पता ये उनके बेटे थे नवाब सादुल्ला खान, मेरे ही हमनाम, ये उनका बनाया हुआ रंग महल है। और ये एक हिस्सा है जो बचा है, ये बेसिकली तीन चार हिस्सों में डिवाइड था, आगे दाएं बाएं पूरा एक बहुत बड़ा जो है ना किले नुमा था। तो अब जो है ना सिर्फ इतना हिस्सा बचा है और इस हिस्से को जो है उन्होंने स्कूल में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। इसका एक कमरा नज़र आता है यहाँ से, जहाँ पे ये बैठ के वो खाना वो नाश्ता वगैरह लगाते हैं, वो कमरा देखो कितना बड़ा है और अंदाज़ा होगा कि क्या इस व्यूज जो है। अगर ट्रैवल करते हुए हम रंग महल से निकले हैं और उसकी गली सीधा हमें जो है वो ये मोची गेट पे ले आई है। ये मोची गेट है और सामने इस तरफ मोची गेट हुआ करता था जो खत्म हो गया है, वहाँ से बिल्कुल आप एंटर होंगे मिठाइयों की दुकानें यहाँ पे आ जाएंगी। सामने बिल्कुल चौक के ऊपर मस्जिद है, मस्जिद साले कम्बो, और साले कम्बो जो है वो औरंगज़ेब जो आखिरी हमारा ताकतवर मुग़ल बादशाह था उसका उस्ताद था, मजहबी आदमी था। और ये भी कहा जाता है कि साले कम्बो की वजह से जो है जो हमारा औरंगज़ेब था
मजहबी रुझानात की तरफ वो मायल हुआ था और मजहबी पॉलिसियां उसने बनाई थी। नौवीं और दसवीं मुहर्रम का जुलूस जहाँ से बरामद होता है वो ये हवेली जिसका नाम मुबारक हवेली और इसके साथ एक हवेली है निसार हवेली, इन दो हवेलियों से बरामद होता है। ये हवेलियाँ कई सौ साल पुरानी और तकरीबन अपनी ओरिजिनल हालत में है। इस हवेली से रिलेटेड तारीख की एक बहुत ही अहम मालूम है जो कि हमें साथ बताएंगे। सो ओवर टू यू साथ। ये जो है ना ये नीचे जेल हुआ करती थी, यहाँ पे नीचे लोगों को कैद किया जाता था। अभी भी शायद इसमें से जो है वो आपको स्टेप्स हल्के फुल्के नजर आ पाए कि नहीं, यहाँ से नीचे जाते हैं, नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट में जेलें हुआ करती थी, जेलों में जो है लोगों को कैद किया जाता था। बड़ा मशहूर जो वाकया था, इंसिडेंट कह लो या इवेंट कह लो, ईरान से जो कोहिनूर हीरा था वो जब पंजाब आया था रंजीत सिंह को किसी हवेली में वो हैंड ओवर हुआ था, तो वहाँ पे खड़े हो गए, उसने पूछा था शाह शुजा था ईरान का, उसने पूछा था इस हीरे की हाथ में पकड़ के कहा कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या है। उसने बड़ा तारीखी जुमला बोला था, वो आज तक सही है। उसने कहा था इसकी कीमत है ताकत, मेरे बड़ों ने ताकत के जोर पर औरों से लिया, तुमने ताकत के जोर पर मुझसे ले लिया और आने वाली कौमें ताकत के जोर पर तुमसे ले लेंगी। और बात अभी तक सही है, जो इंग्लैंड की महारानी है अगर वो देखो उसके ऊपर क्राउन में एक हीरा जड़ा हुआ है वो ये है। ओरिजिनल तो काफ़ी बड़ा होता था लेकिन वो कट करके छोटा कर करके कर करके वो इतना सा रह गया, लेकिन वो कोहिनूर का हीरा भी जो है वो इधर ही ट्रांसफर हुआ है। सो हमारा जो नेक्स्ट स्पॉट है वो है खलीफा बेकर्स, वर्ल्ड्स फेमस बेकर्स। इनकी खटाइयाँ पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। इनकी बनाई हुई खटाइयाँ जो है वो पूरी दुनिया में सप्लाई होती हैं। खटाई इनकी बड़े मज़े की, आलमोस्ट 40 से 1 रुपए की एक खटाई आती है, लेकिन वो समझ लें कि 40 रुपए के आपको 400 का मज़ा दिलवाती है, ऐसी ज़बरदस्त खटाई है। और इनकी मेन आइटम भी वही है जो सबसे ज़्यादा सेल होती है, अंदर जाके देखते हैं। ये इनकी खटाई है जो पूरी दुनिया में सप्लाई होती है और इनके नाम से सप्लाई हो रही होती है। लोग, मैंने इसे मालिक से पूछा था ना कि आप सप्लाई करते हैं, वो कहते हैं नहीं, लोग हमसे आके ख़रीदते हैं, हमसे ख़रीद के ले जाते हैं और अपने नाम से जो है पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते रहते हैं। वो इनकी खटाई है, ये इनकी रेट लिस्ट लगी हुई है, ये भी दिखा दें ताकि कोई अगर ट्रेंड वही लेना चाहे। सो यहाँ पे हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है इस यकीन के साथ कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के तौर पे लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस आपको विजिट करवा सकें और उनकी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें। इंशाल्लाह आई विल कवर ऑल द प्लेसेस इंडिविजुअली और हर एक प्लेस के ऊपर डिटेल हिस्टोरिकल वीडियो बनाऊंगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा ताकि फ्यूचर भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।